उसमें एक बेहतरीन सी प्रॉब्लम लिखी हुई है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। लिखा हुआ है x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू कितनी है -1, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की पावर 88 प्लस वन अपान एक्स की पावर 88। देखिए कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड एक्स माइनस वन से, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब ये फार्मूला किसका बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब। ओके, तब इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमको वैल्यू मिल जाएगी वो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये वैल्यू यहाँ तक आई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए कैसे पुट करते हैं, यहाँ पर हम x की पावर 88 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 87 इंटू एक्स प्लस वन अपान x की पावर 87 इंटू एक्स। अब x की पावर जो 87 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब की पावर 29। वी कैन राइट प्लस वन अपान x की पावर क्यूब की पावर 29 इंटू एक्स। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ से, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू बचेगी सिर्फ एक्स प्लस वन अपान एक्स, और इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी पता कितनी होती है -1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बेहतरीन सा आंसर।